हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, इस वीडियो में हम ईथर्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। जस्ट एफवाईआई गाइस, जो ईथर्स होते हैं ना, वे बहुत ही लेस केमिकल रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इवन इतने लेस केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कि वे ना तो दे डू नॉट रिएक्ट, राइट, ना तो वे रिएक्ट करते हैं विद बेस, किसी बेस से, किसी एक्टिव मेटल से। एक्टिव मेटल लाइक जैसे हम सोडियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं, कॉपर के साथ, ना ही उनके साथ रिएक्ट करते हैं। कब डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी नहीं रिएक्ट करते, ध्यान दीजिए, डाइल्यूट एसिड्स हैं, ना ही किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ भी नहीं रिएक्ट करते। एंड दैट इज़ वाई इनकी इस लेस केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से वे जो ईथर्स होते हैं, दे आर गुड सॉल्वेंट्स, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इसलिए उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरह यूज भी किया जा सकता है। एंड दे आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर, राइट गाइज। तो ये था आपका जस्ट एफवाईआई। नाउ ईथर्स गाइज का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, आर ओ आर डैश। इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट साइड में एक आर जुड़ा है और राइट साइड में भी आर जुड़ा है। नाउ तीन केस बन सकते हैं, ये जो आर इक्वल्स टू आर डैश हो सकता है, राइट, आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश हो सकता है। मतलब जो ये आर है, या तो गाइस कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, कोई बेंजाइलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर H होगा तो ये अल्कोहल हो जाएगा, जस्ट एफ वाई आई। अगर ये OH जुड़ जाएगा तो अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, सो राइट, सो ईथर नहीं रहेगा ये। सिमिलरली R डैश के लिए भी यही केस है कि अल्काइल या बेंजाइल कुछ भी हो सकता है। नाउ अगर R और R डैश दोनों ये ग्रुप्स सिमिलर हैं, तो हम इनको गाइज सिंपल या सिमेट्रिक ईथर्स बोलते हैं। और अगर इक्वल नहीं है तो इनको हम गाइस मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक ईथर्स बोलते हैं। नाउ एग्जांपल, सपोज मेरा CH3O CH3 है। अगर आप देखें R की वैल्यू इसमें मिथाइल है, R डैश की वैल्यू भी मिथाइल है, तो ये क्या हुआ आपका, पहला सिमेट्रिक ईथर। लेकिन अगर इधर CH3 या और इधर CH2 CH3 आ जाए, राइट, तो ये R है सपोज और ये R डैश है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल हो गया, तो ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। नाउ ये रही इनकी गाइस R O R डैश में अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बात। इनका जो बेसिकल जो फॉर्मूला होता है इनका नेम करने का, इसका नाम लिखते हैं हम गाइज एलकोक्सी एल्केन। अब एक आर इसमें एलकोक्सी को रिप्रेजेंट करता है और एक आर जो दूसरा साइड है एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आर एलकोक्सी और कौन सा आर डैश एल्केन में आएगा, राइट, कौन सा आएगा? तो इसका एक रूल रहता है गाइज, एल्केन जो भी होगा वो वे होंगे या तो उस आर में मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, राइट, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स देन दूसरा आर के, राइट। सपोज इसमें टू कार्बन्स हैं तो इसमें अगर थ्री हैं तो ये एल्केन आ जाएगा, राइट। और या अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं है, मतलब दोनों में सिमेट्रिक केस है, दोनों इक्वल हैं, तो लेस ब्रांच्ड जो हमारा चेन होगा वो हमारा एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, इसमें एल्कोक्सी में लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्काइल आएगा, और अगर कार्बन नंबर कार्बन सेम है तो जो मोर ब्रांच्ड होगा, राइट, चेन होगी वो एल्कोक्सी को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये एग्जाम्पल है सबसे बेसिक गाइस। नाउ ओ के अगर आप लेफ्ट में देखें
तो मिथाइल जुड़ा है, और जो राइट में है वो भी मिथाइल जुड़ा है, दोनों सेम है तो सिमेट्रिक कार्बन हुआ, राइट गाइस। नाउ अब क्योंकि इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, जनरल जो नेम है एल्कोक्सी एल्केन। नाउ क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है, तो मैं एक को मिथोक्सी और एक को मिथोन मान लूँगा, यानी सपोज एक को मिथोक्सी दूसरे में मान लेता हूँ मिथेन, राइट। ये हुआ गाइस इसका आईयूपीएसी नेम। सिमिलरली अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्या लिखे गाइस, पहला मिथाइल, दूसरा मिथाइल और एंड में लिख दे ईथर। अब क्योंकि मिथाइल मिथाइल को आप सिमिलर क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, ये आपका हो जाएगा इसका गाइस कॉमन नेम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें गाइस तो ये अनसिमेट्रिक है, एक साइड आपका मिथाइल है और दूसरी साइड आपका वन एंड टू कार्बन की चेन है, यानी इथाइल हो गया। मैंने आपको बताया था एल्कोक्सी एल्केन, जो एल्केन है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन की चेन होगी, इसमें क्या है इथाइल है, और लेस कार्बन की एल्कोक्सी में आएगी, यानी मिथाइल जो मिथेन है उससे क्या बना, मिथोक्सी। अब जो लार्ज नंबर वाली चेन है इथेन, उसको डायरेक्ट लिख देंगे मिथोक्सी मिथेन। ये हुआ गाइस का आयुपैक नेम। अगेन जस्ट एफवाईआई, अगर इसका कॉमन नेम आपको लिखना है, मैंने आपको बताया था कि क्या लिखें, इथाइल मिथाइल ईथर, राइट। जैसे पिछली बार मिथाइल मिथाइल हो गया था, तो इसमें इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम है, डिफरेंट है, इसमें उसमें सेम थे तो डाइमिथाइल कर दिया था, इसमें डिफरेंट है तो वैसे ही लिख देंगे। एक बात याद रहे गाइस, ये जो इथाइल है ये एम है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, राइट। क्योंकि ई ए बी सी डी में ई पहले आता है, तो इसलिए हमने इथाइल को पहले लिखा है, राइट। कोई प्रेफरेंस का इसका कोई रूल नहीं है, तो ये था आपका कॉमन नेम, राइट गाइज। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ अब तक समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में और बढ़ेंगे आगे, आपको और क्लियरिटी आती रहेगी। नाउ गाइज इस क्वेश्चन को देखें, सिमिलर क्वेश्चन है पहला, बस नंबर ऑफ कार्बन चेन इसमें डिफरेंट हो गई, लेकिन इसमें आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आई होप आप उसको समझ में आ पाएंगे। इसको मैं अगर नाम से लिखूँ तो एल्कोक्सी एल्कीन तो अब तक हमने बता दिया आपको, लिखते आते हैं, इधर मेथ एथ एंड प्रोप है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोपेन, राइट। एंड एल्कोक्सी और जगह मिथाइल ग्रुप है तो मिथोक्सी, तो हमारा ये आईयूपीएसी का नेम हो गया। लेकिन गाइज अगर आप इसी कंपाउंड को, ये जो कार्बन चेन है इसको, इन अगर इस कंपाउंड से कंपेयर करें, राइट, CH3, राइट, या सपोज ये CH3 है और मैंने यहाँ पे ये OCH3 जोड़ दिया, अगेन सेम है, यही सेम रूप उतार दिया मैंने यहाँ। तो गाइज अगर आप इसको नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 यानी क्लोरो प्रोपेन, या बोलूँ तो 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर इसी क्लोर जो कंपाउंड है इसमें जो क्लोरीन में बीच में लगा दूँ तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अगेन 2 क्लोरो 1 2 एंड 3 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट। तो सिमिलरली गाइज OCH3 को आप एक सब्सटीट्यूएंट ही मान के चलें, OCH3, बस आपको ये पता करना है कि लेस प्रायोरिटी का अगर ये है तो जो मेन ग्रुप है उसको आप मेन कार्बन की चेन माने, राइट, और इसको आप एक सब्सटीट्यूएंट माने। जब भी प्रीफिक्स की तरह यूज आपका होता है इथर, तो उसमें मिथोक्सी ऑक्सी एल्कोक्सी ये यूज होते हैं, तो सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथोक्सी प्रोपेन, या 1 को मैं हटा सकता हूँ, 1 अंडरस्टूड होता है तो मिथोक्सी प्रोपेन हो गया। सिमिलरली अगर इसी में अगर ये OCH3 आ जाता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, राइट, कि अब किस तरह लिखें, कौन सा ब्रांच है, लेस ब्रांच है। तो सिमिलरली आपको गाइज कुछ नहीं करना, बस ये देखिए कि जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये देखा आपने, ये CH3 है, लॉन्गेस्ट चेन देखा मैंने,
तो वन टू एंड थ्री मिनिमम, ये टू कहाँ पे उस हिसाब से आएगा जैसे सब्स्टिट्यूएंट लेस नंबर आए उसका। अगेन उसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टू मिथोक्सी प्रोपेन। राइट गाइज, आई होप आपको ये अब तक समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो इसमें वन टू एंड थ्री कार्बन है, अगेन इसमें वन टू एंड थ्री कार्बन की चेन है। नाउ एल्कोक्सी जो एल्केन में हम जो लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन में लेस ब्रांच्ड होता है एल्केन एंड मोर ब्रांच हो जाता है एल्कोक्सी। अगेन इससे हमें प्रेफरेंस पता लग गई, राइट। यानी जो मेरा मेन चेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वन टू एंड थ्री, राइट। सो मेरी जो मेन चेन है ये हो गई वन टू थ्री, और जो ये पूरा का पूरा इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका आ जाएगा ब्रांच की तरह, राइट। तो उसका मैं नेम कैसे करूँगा, तो मेन चेन की तो मैं लिख देता हूँ मेथ एंड प्रोप प्रोपेन, राइट। ब्रांच को कैसे लिखूंगा, प्रोपेन है लेकिन गाइस आइसो, राइट। सो एंड वन कार्बन से जुड़ी है तो क्या लिखूंगा, वन आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल तो वन आइसो प्रोपोक्सी प्रोपेन, वन आइसो प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया। सिमिलरली अगर आपको इसका नोमेनक्लेचर करना हो, अगेन ये वन टू थ्री एंड फोर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है इधर, सिमिलरली इधर वन एंड टू एंड थ्री की बन रही है, यानी ये प्रेफरेंस ज़्यादा होगी इसकी। मैं मेन चेन जो मानूंगा इस कार्बन चेन को मानूंगा, राइट। और बाकी का जो ये येलो में है ये आपका ब्रांच हो जाएगा। सो कैसे लिखेंगे इसका, अगर नाम लिखना है मुझे तो पहले आप मेन चेन का नाम लिख लें, तो मेथ यहाँ से टू थ्री एंड फोर ब्यूटेन, राइट। सो मेन चेन का आपका नाम हो गया ब्यूटेन। अब इसमें ब्रांचेस जोड़ेंगे, एक तो इधर, यार गाइस इधर क्या है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे दोबारा से लिख सकते हैं, अगर मैं आपको जस्ट FYI बता रहा हूँ, सी ऐसे ओ सी सी एच सेवन, जिसमें आपका जो ये तो मेन चेन हो गई आपकी, राइट, और जो ये हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। सो अगेन मैं आपको इजी बताने के लिए गाइस, ताकि डिफरेंट तरीके से आप जिस तरह से भी आपको समझ में आए। सो क्या लिखेंगे, ये हटा देता हूँ, ब्यूटेन तो आपका मेन चेन हो गया क्योंकि वन टू थ्री एंड फोर कार्बन की चेन आ गई, राइट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया प्रोपोक्सी, ये मिथोक्सी, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल से प्रोपोक्सी, अल्फाबेट में एम पहले आता है पी बाद में आएगा, राइट। सो क्या लिखेंगे, टू मिथाइल, राइट, वन प्रोपोक्सी, सॉरी वन प्रोपोक्सी ब्यूटेन, टू मिथाइल वन प्रोपोक्सी ब्यूटेन, राइट। गाइस समझ में आया आपको, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें गाइस। अगेन मैंने आपको बताया ये OCH3 है, ये मिथाइल है, इसको आप लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो मैं देखा कि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से होती हुई इधर तक आ रही है, राइट। OCH3 था तो मैंने ये भी देख सकता था, प्रेफरेंस इसकी कम है, अगेन कम जो नेमिंग होगी उस तरह से होगी कि जो ग्रुप्स हैं वो लेस कार्बन पे, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, राइट गाइज। सो इसका नाम क्या होगा, थ्री मिथोक्सी, राइट, हाइफन फाइव मिथाइल, राइट, थ्री मिथोक्सी फाइव मिथाइल हेप्टेन। नाउ इसको करें गाइस, सिमिलर है, अगर मैंने आपको बताया था कि जो अब तक जिस कार्ब ब्रांच में आपका मोर नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो आपका प्रेफर किया जाएगा। अगर आप इसको देखें
एल्कोक्सी एल्केन में, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन इसमें है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन की चेन है, लेकिन इधर देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन की चेन है, यानी एल्कोक्सी पार्ट आएगा ये। तो नाम क्या है इनका, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन से बना आपका साइक्लो पेंटोक्सी साइक्लो हेक्सेन, राइट गाइज। तो ये हो गया साइक्लोपेंटोक्सी साइक्लो हेक्सेन। नाउ अभी तक तो गाइज आपने एक ईथर का ग्रुप देखा, व्हाट इफ अगर दो ईथर ग्रुप जुड़ जाएं लाइक दिस। नाउ गाइज इसको कैसे नोमेनक्लेचर करें, बहुत इजी है। अगर आपको मेरी वो बात समझ में आई है कि जो मेन चेन आपको पता कर लें तो उससे बहुत इजी हो जाएगा। नाउ गाइज ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको दोबारा से लिखना चाहें तो मैं अगर एक काम करूं तो ये इसको ड्रॉ करके जो ये वाले ग्रुप्स हैं ये जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं पहचान लिया तो इजी हो जाएगा। अगर नहीं पहचान पा रहा हूं तो सपोज़ मैं इसको फॉर अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूं, अगेन ये क्लोरीन से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी मैंने क्या किया इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इसको नोमेनक्लेचर करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, अगेन ये वाली मैं ब्रांच चुनूंगा, ये जो कार्बन की चेन है राइट, ये वाली कार्बन की चेन, तो नोमेनक्लेचर अगर सेम होगा तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूँ तो 1, 5 डाइक्लोरो पेंटेन नाम आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्लोरो को रिप्लेस करके ये 1 एंड 2 इथोक्सी को डाल दूं तब क्या होगा, जैसे इस केस में हुआ है, तो अगेन 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो क्या हो जाएगा 1, 5 डाई इथोक्सी पेंटेन, राइट गाइज। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जस्ट ये जो मैं आपको मेन क्रक्स है इसका वो है आप इनको डरे मत देखने, इनको आप एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान के चलें तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, राइट गाइज। अगर आपको मेरी बात वो समझ में आई है तो आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करके देखें, पॉज करें वीडियो राइट और देखें। नाउ मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको आप सब्स्टिट्यूएंट मान के चलें, लॉन्गेस्ट चेन को पता करें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो मैंने देखा लॉन्गेस्ट चेन जो पॉसिबल है मेरी ये पॉसिबल है। नाउ अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूंगा सॉरी नंबरिंग करूँ तो 1 यहाँ से जुड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ से जुड़ूंगा तो 1, 2, 3, 4 पोजिशन पर पहला सब्स्टिट्यूएंट है, इधर फर्स्ट पर ही आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 राइट। सो ये क्या है आपका, ये आपका है इथोक्सी, अगेन इधर भी इथोक्सी ही आ गया। अगर सपोज गाइस में एक कार्बन भी होता एक तो उसे मिथोक्सी लिख देते राइट, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो क्या करेंगे आप, इसका नाम हो जाएगा गाइस 1, 6 डाई इथोक्सी, 9 है तो नोनेन। सिमिलरली गाइज अगर जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं सपोज यहाँ पे एक ओ इस तरह भी जोड़ देता हूँ राइट, दोबारा साफ बना देता हूँ इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, तो 1, 6 डाई इथोक्सी था को यहाँ पे साथ साथ क्या हो जाएगा 3 मिथोक्सी भी जोड़ देंगे नोनेन। तो गाइज ये बहुत इजी है, आई होप आपको अब तक चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी ना। अगर आपको गाइज ये तो था अब तक जिसमें OCH3 ही जुड़ा, अगर आपको ये क्वेश्चन मैं करने को दूं तब क्या होगा, मैंने जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग के वीडियो में कि CH3 को अगर H से रिप्लेस कर दोगे कार्बन को तो एल्कोहल बन जाएगा, और एल्कोहल की जो प्रायोरिटी होती है ईथर से ज़्यादा होती है और वो ईथर राइट। तो अब तक तो कोई ये सिंपल एल्केन्स थे, तो एल्केन्स क्या हो रहा था OCH3, हम देखिए क्या होता है गाइज जो एल्केन्स की प्रायोरिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है देन ईथर से राइट। इनफैक्ट आपको एक बताऊँ तो
जो ईथर्स के नीचे सिर्फ आपके हैलाइड्स और उसके नीचे नाइट्रो ग्रुप ही होता है, सो आपको अगर कुछ और ग्रुप कोई भी दिखे वो सब आपको ईथर्स के ऊपर ही मिलेंगे, राइट। तो एल्केन ऊपर है तो इसलिए आपने इनको एंड में एल्केन आ रहे थे, लेकिन क्योंकि एल्कोहल आ गया, एल्केन की एल्कोहल्स की प्रेफरेंस एल्कोहल एल्केन से भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, इनको नोमेनक्लेचर करेंगे अगेन 1, 2, 3 एंड 4, राइट। सो क्या होगा, 3 मिथोक्सी, आई होप आपको अगर नहीं समझ में आएगा एल्कोहल का नोमेनक्लेचर तो आप कंफ्यूज मत हो, इसको बाद में पढ़ ले जब एल्कोहल की आप नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, तो जस्ट जिनको पता है 3 मिथोक्सी, राइट, हाइफन 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकेंड पोजिशन पर OH है, अगर सेकेंड पोजिशन के बजाय पहली पोजिशन पे ही OH होता तो आप अगर अब आप बताएं इसका नाम क्या हो सकता था, इसका नाम हो सकता था गाइस 1, 2, 3 एंड 4 अगेन 3 मिथोक्सी ब्यूटेनॉल या हाइफन 1 हाइफन ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, लेकिन 1 अंडरस्टूड रहता है तो जरूरी नहीं होता। सो गाइस आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब तक तो गाइज आपने ये सिंपल चेन्स पढ़े, लेकिन एक तरीका और होता है ये जो चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको नोमेनक्लेचर करने का। जैसा आप इस क्वेश्चन में देखेंगे बहुत ही अगर चेन आपकी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, सिंपल नहीं बन रही है, तो कि एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी गाइज जो हमारे राइटर्स होते हैं कुछ एल्कोक्सी एल्केन के बजाय किस और फॉर्म में नाम लिख सकते हैं इसका। बेसिकली जो ये रूल है आपका, जो हेट्रोसाइक्लिक या साइक्लिक ईथर्स होंगे इस टाइप के जो फॉर्म्स में, राइट, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक यानी ओक रिंग का पार्ट है उसमें यूज होता है, लेकिन कुछ जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन कुछ लोग इसमें भी उसको यूज़ कर लेते हैं। कैसे, आप ये क्वेश्चन देखें और इसको मैं जिस तरह नोमेनक्लेचर करूँगा उसको आप देखें और एंड में डिस्कस करेंगे, और कंफ्यूज मत हो आप बिल्कुल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने अब तक आपको बताया था गाइज कि लेफ्ट और राइट में बड़ी चेन देखें और छोटी को सब्स्टिट्यूएंट मान लें, लेकिन गाइज कभी कभी क्या होता है बहुत टफ पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे ना तो क्या करेंगे कि 2 क्लोरो 2 क्लोरो फिर 3 मिथाइल 4 इथाइल कुछ इस टाइप से करके फिर एल्कोक्सी जोड़ेंगे एंड में, फिर एंड में उसका एल्केन बनाएंगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा, सही वो भी है लेकिन टिपिकल होगा। तो इस केस में आप क्या करें, सबसे लंबी कार्बन चेन बनाएं इंक्लूडिंग दैट ऑक्सीजन ऑफ ईथर, राइट। मैंने देखा ये लंबा चेन बन रहा है, अब इसको क्या नाम करेंगे, नंबरिंग करें इनकी, अब फ्रॉम जो रूल्स सिमिलर होते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे लेस कार्बन पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ऑक्सीजन को भी काउंट करें उसी चेन में, 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट। आपने ये ध्यान रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन को भी उसी नंबर में आना है, तो यानी आप देखा 10 कार्बन की चेन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन हो गई। अब जो बाकी के गाइस सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको लिखें और प्लस जो आपका मेन चेन है उसका नाम लिखें। अगर इस ऑक्सीजन के जगह हमारा कार्बन होता तो अब तक आप क्या लिखते, 10 कार्बन का था तो डेकेन, राइट। लेकिन गाइस क्योंकि इसमें हमने ऑक्सीजन भी इंक्लूड किया है तो आप याद रख लें आपको हमेशा इसे ऑक्साडेकेन लिखना है, राइट, याद रखें ऑक्साडेकेन। एंड किस पोजीशन पे है ऑक्सा, 6th पोजीशन पे, तो यानी 6th-ऑक्साडेकेन, राइट गाइस। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके रिगार्डिंग और आप समझे, 6-ऑक्साडेकेन आपकी मेन चेन का नाम आ गया। अब बाकी की चेन का नाम लिखे तो क्या लिख देंगे आप, 7-क्लोरो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो जाएगा, राइट, 7-क्लोरो-2-3-4 एंड 8 टेट्रामिथाइल एंड 6-ऑक्साडेकेन, ये हो गया गाइस इसका आंसर, राइट गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट चेन बतानी है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, अगर ऑक्साडेकेन लिख देंगे पोजीशन बताएंगे और उसका ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे।
एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर, और फिर हम साइक्लिक की तरह इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नाउ गाइस इस क्वेश्चन को करें, अगर आपको पहला जो वो हम समझ में आया है तभी गाइस इसको पढ़ें, और अगर नहीं समझ में आया तो लीव कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको देखें, इसका नाम लिखें, पॉज करें वीडियो, फिर आगे बढ़ें। ओके सो अब तक मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन देखें, अगर आपको जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया राइट ये बन रही है, उसको नंबर डाल दें, तो नंबर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से 1 2 डाल सकता है पहला 2 मिथाइल, लेकिन यहाँ पे अगर 1 2 करेंगे तो जो अनसेचुरेशन है वो एल्काइन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, तो इधर हम करेंगे 2 3 4 5 6, इसको काउंट करेंगे ऑक्सीजन को, 7 8 9 गेन 10 11 12 एंड 13 कार्बन की चेन हो गई इंक्लूडिंग दैट ऑक्सीजन। तो आपको क्या बताया था, क्या लिखना है आपको, मेन चेन का नाम लिख दें, मेन चेन का नेम क्या हो जाएगा, 7 7 पोजीशन पे ऑक्सा है, तो यानी 7 ऑक्सा ट्राई डेका, और क्योंकि अनसैचुरेशन में है तो हाइफन में लिखेंगे 5.8 डाइईन हाइफन 2-ईन, ये तो आपकी मेन चेन का नाम आ गया, यानी 7 पे ऑक्सा एंड 5 एंड 8 पे डाइईन हाइफन 2-ईन, आइन वाई है राइट, डी पहले आएगा, ये तो आपकी मेन चेन का नाम हो गया। अब अगर आप उसको जोड़ें तो क्या लिख जाएंगे, तो अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे तो 10 इथाइल हाइफन 9 आइसोप्रोपाइल 4 6 8 11 12 राइट पेंटामिथाइल राइट एंड हाइफन 7 ऑक्सा ट्राई डेका 5 8 डाइईन 2-ईन राइट गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के आने के, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं गाइस हम साइक्लिक ईथर्स का नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं, बहुत ही इजी है, बस जस्ट एक दो आपको चीज़ें याद रखनी रहती हैं इन चीज़ों में। नाउ गाइस जो साइक्लिक ईथर्स हैं वो दो तरह के ईथर्स पढ़ सकते हैं, एक तो इस टाइप का जिसमें जो ऑक्सीजन है इज नॉट पार्ट ऑफ द रिंग लाइक दिस, यानी जो कार्बन जो हमारी रिंग है होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक यानी सब जो पॉइंट्स हैं एक ही एटम से मिलके बने हैं, इन दिस केस आपका कार्बन है होमोसाइक्लिक रिंग। और दूसरा बन सकता है गाइस कुछ इस तरह से जिसमें ऑक्सीजन इज पार्ट ऑफ द रिंग राइट, तो कार्बन 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 ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग से बन गया, यानी होमोसाइक्लिक ईथर आ गया, यानी हेट्रोसाइक्लिक ईथर बोल सकते हैं। तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, नाउ गाइस पहले पढ़ते हैं हम होमोसाइक्लिक रिंग्स। नाउ अगर गाइस कुछ आपका इस तरह का कंपाउंड है होमोसाइक्लिक में, तो इसमें 3 कंपाउंड बन सकते हैं, या तो जो रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वे सेम है या ज़्यादा है कम है। अगर सपोज नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 1 मान लेता हूँ, 2 इनको 2 मान लेता हूँ, अगर गाइस नंबर ऑफ कार्बन जो रिंग में ग्रेटर देन है नंबर ऑफ कार्बन इन एलिफेटिक जो चेन है, तब आपको जो एल्कोक्सी एल्केन होगा राइट तो ये एल्केन आ जाएगा और इधर एल्कोक्सी आ जाएगा, यानी प्रेफरेंस इधर आ जाएगी और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स दोनों में इक्वल हैं तब भी साइक्लिक पार्ट को ही मोर प्रेफरेंस मिलेगी, यानी इसको एल्केन वाला पार्ट मिलेगा और इसको एल्कोक्सी वाला पार्ट मिलेगा राइट, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अगेन अगर इसमें लेस कार्बन है तब रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये मेन पार्ट हो जाएगा चेन का और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, यानी एल्कोक्सी राइट गाइस। आई होप आपको ये चीज अब तक समझ में आई होगी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं उससे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को देखें गाइस,
मेन चेन आपको बतानी है, बाकी का आपका जड़ जाएगा। तो यानी इसमें वन टू एंड थ्री कार्बन की रिंग है, लेकिन इसमें वन टू एंड थ्री कार्बन की चेन है, तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यानी साइक्लिक रिंग को आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, राइट। एल्कोक्सी एल्केन में सो क्या लिखेंगे, वन टू एंड थ्री प्रोपोक्सी साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि एल्केन इसमें क्या है, प्रोपोक्सी सॉरी साइक्लोप्रोपेन, तो प्रोपोक्सी साइक्लोप्रोपेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे वन टू एंड थ्री के वन प्रोपोक्सी साइक्लोप्रोपेन, तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, राइट गाइस। आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी अब तक। फॉर एग्जाम्पल इसको आप गाइस इस तरह से भी लिख सकते थे ओ सी थ्री एच सेवन, तो आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा मैंने क्यों किया ना। वन प्रोपोक्सी है, तो अगर यहाँ पे मैं इसी चेन में क्लोरीन जोड़ दूँ तब क्या होगा, तब इस वन का माइनस समझ में आता है, यानी काउंटिंग इसकी गाइस इस कार्बन से होगी, देन टू एंड थ्री, क्योंकि क्लोरो है, क्लोरो जो हेलोजन्स है, राइट। तो इसको आप नेमिंग में पहले आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप, तो वन क्लोरो टू प्रोपोक्सी साइक्लो प्रोपेन, राइट गाइज। आई होप आपको ये चीज़ अब तक समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ये गाइज अगेन बहुत ईजी है, आप तो इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें वन टू एंड थ्री ही हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ये आपका सब्सटेंट हो जाएगा, यानि प्रोपोक्सी साइक्लो पेंटेन, राइट गाइज। एक क्वेश्चन और इस पर और करते हैं गाइज, और फिर हम आगे हेट्रोसाइक्लिक ईथर्स पे जाएंगे। इस क्वेश्चन को करें गाइज, पॉज करें वीडियो, करने की कोशिश करें, फिर देखें आगे, राइट आंसर चेक करें। ओके नाउ इस क्वेश्चन में अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूंगा, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव है, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन है, यानी जो मेन कार्बन की मेरी जो चेन होगी वो ये वाली होगी। नाउ ये सब्सटेंट हो जाएंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर अगेन गाइस कैसे करूंगा मैं, अगर आपने आंसर समझ में आएगा तो नाम करें, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन मेन चेन का नाम हो गया मेरा हेप्टेन। अब आएंगे मेरे सब्सटेंट्स, तो सब्सटेंट कैसे लिखूंगा, नेमिंग अगर होगी तो यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड सेवन, गाइस प्रेफरेंस हमेशा इसे ही मिलेगी ऑक्सीजन को, तो नाम कैसे लिखेंगे, वन साइक्लो पेंटोक्सी, पेंटेन से पेंटोक्सी बन गया गाइस, राइट। नाउ हाइफन थ्री इथाइल, थ्री पे ये इथाइल जुड़ा है, राइट। हाइफन टू थ्री फोर फाइव टेट्रामिथाइल, टू थ्री पे ये सी एस थ्री, फोर एंड फाइव टेट्रामिथाइल हाइफन ये हेप्टेन। सो गाइज ये हो गया इसका आंसर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं साइक्लिक ईथर्स पे। साइक्लिक ईथर्स का गाइज जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के, अगर आप ऑक्सीजन को जैसे ये था इसको चेन का ही नाम मान लेंगे, जैसे वन टू एंड थ्री, तो इसको आप ऑक्सा प्रोपेन लिख देंगे, राइट। जो मेथड में आपको बताया मैंने ऑक्सा प्रोपेन लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर तीन कार्बन की चेन होती तो आप इसको प्रोपेन लिखते, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि ऑक्सीजन को हमने इसका पार्ट ले लिया, तो ऑक्सा प्रोपेन लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये तीन की चेक सिर्फ कार्बन की चेन होती तो आप मेथ एट एंड प्रो साइक्लोप्रोपेन लिखते इसको, राइट। अब क्योंकि लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमेशा वन मानते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन था तो ऑक्सा हाइफन साइक्लो प्रोपेन, या वन हाइफन ऑक्सा साइक्लो प्रोपेन लिख सकते हैं, लेकिन वन का इसमें कोई भी महत्व नहीं है, अगर सपोज सब्सटेंट उठता तब हो सकता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको करें गाइस अगेन वन टू थ्री फोर एंड फाइव का है, अगर सपोज मैं फाइव कार्बन की ही चेन लेता सिर्फ और सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव, तो उसको मैं लिख सकता था साइक्लोपेंटेन।
ना, क्योंकि इसमें रिंग है, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है, तो ऑक्सा लिखूंगा, यानी ऑक्सा साइक्लो पेंटेन। राइट गाइज, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ईजी हैं। अगर आप ये क्वेश्चन करके देखें, अब जो ये वाला खुद से, आप सबसे पहले गाइज कुछ नहीं लिखना आपको सिंपल, आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन बना लें, अगर आप डायरेक्ट आपको पहली बार में दिक्कत हो रही है तो नाम लिखें, तो सपोज ऐसे नाम लिखते, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? राइट, इसका नाम लिखेंगे वन सॉरी साइक्लो पेंट हाइफन 1, 3 इन, साइक्लो पेंट 1, 3 इन, या 1, 3 साइक्लो पेंटीन लिख सकते थे, 1, 3 डाई इन आ जाएगा, साइक्लो पेंटा डाई इन भी लिख सकते थे। अगेन सिमिलरली गाइस, इसमें होगा बस पेंटेन के बजाय ओग्जा आप लिख देंगे, लेकिन नंबर जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें बस यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैसे लिखेंगे? ओग्जा वन, वन पे ओग्जा है, राइट, वन ओग्जा साइक्लो पेंट हाइफन 2, 4 डाई इन। समझ में आएगा इस आपको? आई होप समझ में आ ही रही होंगी चीज़ें आपको। अगर आप सिमिलरली ये क्वेश्चन करके देखें कुछ इस तरह से, राइट, अब क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर एक तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, या यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो 1, 2 आएगा, लेकिन अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1, 2 आएगा, लेकिन एन सेचुरेशन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी तो ये हम रिमूव कर देंगे। यानी क्या नोमेनक्लेचर होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? इसका नाम अगेन आप दोबारा ट्राई करें, 5 पे मिथाइल है हाइफन ओग्जा, यानी 1 ओग्जा भी लिख सकते हैं, सिंपल ओग्जा भी लिख सकते हैं, आपको बताया मैंने, ओग्जा साइक्लो पेंट और 2 पे ईन है, पेंट हाइफन 2 ईन। तो ये हो गया इसका नाम गाइस। नाउ गाइस, ये थे आपके नोमेनक्लेचर जितने भी होते हैं ईथर्स में और दूसरे भी साइक्लिक एलिफेटिक। बस इसमें गाइज आपको ये देखना है ईथर्स की प्रेफरेंस क्या होती है, और उसके बाद आपको इजी हो जाएगा लाइफ। राइट गाइज, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और प्लीज़ सजेशंस टू इम्प्रूव दिस कंटेंट ऑफ द चैनल आर ऑलवेज वेलकम गाइज, थैंक यू, बाय।